सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आपको मेरे इस वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नया जानेंगे जो कि इसका हमारे इस नए जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, पहले के लोगों को जब चोट लगता था या कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उनके पास न कोई मशीन थी न कोई उपकरण था चेक करने के लिए। लेकिन आज हम कहां से कहां पहुंच गए। जब हमें चोट लगती है या कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें सीटी स्कैन करने का सलाह देता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होता है सीटी स्कैन, क्यों होता है सीटी स्कैन और कैसे होता है सीटी स्कैन। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक कंप्यूटराइज स्कैन होता है जिसे हम कंप्यूटराइज टेमोग्राफी स्कैन कहते हैं। इस स्कैन में कंप्यूटर और एक्सरे मशीन द्वारा ली गई छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन छवियों के माध्यम से क्रॉस सेक्शनल तस्वीरें बनती हैं जो शरीर में आई गड़बड़ियों को आसानी से समझने में मदद करती हैं। यह स्कैन सॉफ्ट टिश्यू, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों समेत शरीर के कई अंगों पर इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा सवाल कि क्यों होता है सीटी स्कैन, क्यों किया जाता है सीटी स्कैन। इस स्कैन के माध्यम से शरीर में किसी जगह पर लगी चोट, नुकसान या विकृति का पता लगाया जाता है। आपका डॉक्टर आपके सीटी स्कैन की सलाह दे सकता है जब आपके शरीर की कोई हड्डी टूट जाए या मांसपेशियों में ट्यूमर आदि हो। ट्यूमर इन्फेक्शंस या ब्लड क्लॉट का केंद्र जानने के लिए, किसी गंभीर बीमारी पर नजर रखने के लिए जैसे हृदय रोग, फेफड़े, कैंसर और लीवर की बीमारी। अब ये जानते हैं कि सीटी स्कैन करने से पहले क्या प्रक्रिया होती है। टेस्ट से पहले कुछ खास तरह की डाई का शरीर में इस्तेमाल किया जाता है जिसे कंट्रास्ट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे स्कैन के दौरान वो हिस्सा ठीक तरह नजर आए। इसे इंजेक्शन के जरिए आपके हाथों में लगाया जा सकता है। एक तरह की डाई को पी कर भी शरीर में उतारा जा सकता है। टेस्ट के बाद ये आपके मल से निकल जाते हैं। अगर कंट्रास्ट पीने को के लिए दिया गया हो तो अगले 4 घंटे तक कुछ भी खाने पीने पर पाबंदी होती है। अगर आपको डायबिटीज है और आपने कोई दवा ली है तो डॉक्टर को जरूर से जरूर बताएं। अब ये जानते हैं कैसे होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। अब नई तकनीक के माध्यम से यह बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। सीटी स्कैन की पूरी प्रक्रिया मात्र 30 मिनट में पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको हॉस्पिटल गाउन पहनने और किसी भी प्रकार की ज्वेलरी उतारने के लिए कहा जा सकता है। ज्वेलरी या किसी धातु की वजह से सीटी स्कैन के रिपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपको पीठ के बल लेटने को कहते हैं। एक स्लाइडर के माध्यम से आपका स्कैन के अंदर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर कंट्रोल रूम से स्कैनिंग देखते हैं। स्कैनिंग के दौरान स्लाइडर ऊपर उठता है। इसके बाद एक्सरे मशीन आपके शरीर के आसपास घूमकर दर्जनों इमेज निकाल लेती है। स्कैनिंग के दौरान मरीज को हमेशा बिना हिले लेटे रहना चाहिए। हिलने डुलने पर फोटोज धुंधली आ जाती हैं। बच्चों के मामले में डॉक्टर उन्हें कुछ देर के लिए दवाई देकर शांत करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।